भारतीय फिल्म जगत अने बॉलीवुडना जाणीता अदाकार अने स्वास्थ्य प्रेमी मिलिंद सोमणनी केवड़िया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सुधीनी योजेली राष्ट्रीय एकता दौड़नुं नर्मदा जिल्लामां आगमन थयुं हतुं। नर्मदा जिल्लामां प्रवेश करता नर्मदा जिल्ला वहीवटी तंत्र द्वारा माथे कळश राखेली बाळाओ द्वारा प्रतापनगर गामे भव्य स्वागत साथे आवकार अपायो हतो। इसीलिए हर साल भारतीय इंडिपेंडेंस डे पर मैं दौड़ता हूँ और जितने साल हमारे इंडिपेंडेंस को हुए हैं उतने किलोमीटर में दौड़ता हूँ। मैंने सोचा इस साल मुझे स्पेशल साल है, 75th सालगिरह है आज भारत के इंडिपेंडेंस की, तो मैंने सोचा कुछ और बढ़िया करें। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा कॉज क्या हो सकता है, जो पैंडेमिक हुआ है पूरी दुनिया इसमें उलझ गई है, हमारा देश भी काफ़ी नुकसान पहुँचा हमारे देश को, लेकिन एक बात हमारी समझ में आई है और प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि अगर एकजुट होकर हम इस पैंडमिक का सामना करें तो हम जीत सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कोई हमारे देश के सामने कोई ऑब्स्टिकल आए, अगर हम एकजुट होकर उसका सामना करें तो हम जीत सकते हैं। तो मैं तो हेल्थ और फिटनेस के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, और मैं यही क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश को स्वस्थ बनाना है और आगे जाके एक फिट और हेल्दी नेशन बनना है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा समय दिन में 24 घंटे में निकाल के थोड़ा सा समय 10 मिनट हो 15 मिनट हो अपने तन के स्वास्थ्य के लिए मन के स्वास्थ्य के लिए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स और होने चाहिए, डॉक्टर्स और होने चाहिए, और वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, हर नागरिक का काम ये है कि जो भगवान ने हमें दिया है, हमें सेहत दी है, उसका हमें संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और ये आसान बात है, ये आसान बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं जो अपनाने पड़ते हैं, और जब वो हम अपनाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हो सकता।